हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु जीके ऑफ द डे क्लास 3 को स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम आरआई एसआई सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुतिबा मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस क्वेश्चन विषय रे डिस्कशन करिबा। आपण यदि सीरियसली प्रिपरेशन करुछंती निहाति भाबे मूळरु शेष पर्यंत वीडियो टिकु देखंतु। देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन हला, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रथम कथा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मान है जी खाप खुएक चली पार परेश बंचब थ्योरी बा प्रिंसिपलटा किए देखते। ऑप्शन अच्छे चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्रेगर मंडेल आउ लामार्क। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर जेकोसी एग्जाम देखिए प्रायतः ये प्रश्न आसी थाए। तो प्रथम मुझे जन दि यार करेक्ट आंसर हूँ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जोटा इवोल्यूशन थ्योरी से देते चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आम कही था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन देते अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला देते रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ मन रखु आइंस्टाइन से फेमस। मेंडेल कौन देते मेंडेल देते जेनेटिक थ्योरी जोटा जेनेटिक थ्योरी यहाँ मन रखु ल ऑफ सिग्रीगेशन यू से देते माने पेरेंट्स रू जो जीन कथा ये आनी थी जीन जीन जो पेरेंट्स ठारू चिल्ड्रेन को आसे पिता माता ठारू जो संतान पाख को जीन आसे सेटा जोर मेंडेल देते मेंडेल जेनेटिक। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जी व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लाइकोलिसिस जमी क्रेब साइकिल जमी हुए फोटोसिंथेसिस जमी हुए तो ग्लाइकोलिसिस रे कौन क्यों प्रोडक्टा बाहरी थाए यहाँ आमको क्वेश्चन मागिची। तो ग्लाइकोलिसिस रे कौन आसी थाए ग्लाइकोलिसिस रे चारटा ऑप्शन अच्छे देखो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एवं पाइरुविक एसिड एवं शेषटा अच्छी ग्लुकोज। तो यहाँ आमको जानवाक पड़ो ग्लाइकोलिसिसटा कौन यहाँ गोटे हूँ सेलुलार रेस्पिरेसन सेलुलार रेस्पिरेसन। तो ये कौन हुए ये पायरुविक एसिड बाहरी थाए ग्लाइकोलिसिस रो एंड प्रोडक्टा कौन पायरुविक एसिड यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस रे कौन हुए ग्लुकोजटा भांगी जाए एवं पायरुभेट फॉर्मेशन हुए यहाँ कौन हुए ग्लुकोजटा भांगी जाए ग्लुकोज भांगिकी पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आउ एटीपी बाहरी था दुईटा एटीपी बाहरी था टू टू एटीपी टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी माने ग्लाइकोलिसिस रे कौन बाहरी था जदि भी पचारा आउ एटीपी जदि ऑप्शन रे अच्छी तेल एटीपी हेबो टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा या पूर्व प्रतिदिन चैटे आम लाइव क्लास हूँ मैथमेटिक्स आपण मैंने जॉइन करेंगे आउ ये चैनल को जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट यूज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किए प्रथम प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज करते प्रोटोप्लाज्म रो मीनिंगटा कौन प्रोटो मीन हूँ फास्ट प्रोटो रो मीनिंग हूँ फास्ट आउ प्लाज्मा रो मीनिंग हूँ प्लाज्मा हूँ थिंग फर्म एंड वाज ओरिजिनली यूज इन रिलीजियस कंटेक्स्ट। आउ एटा किए यूज करते एटा जेई पुर्किंजी 1839 मसीह से जोड़े साइकोलॉजिस्ट से जोड़े एंटामिस्ट सॉरी एनाटोमिस्ट आउ से जोड़े साइकोलॉजिस्ट से ये वर्डटा यूज करते किए तीन नंबर ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म प्रोटो मीन्स फास्ट यहाँ भी मन रखि था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा व्हिच टाइप ऑफ साउंड वेव्स कैन प्रोपागेट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स रे क्यों प्रकार सॉलिडटा सॉरी सॉलिड रे क्यों प्रकार साउंडटा प्रोपागेट होता है माने सॉलिड सब्सटेंस रे क्यों प्रकार वेव जाए थाए क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल माने कौन माने साउंड जो दिगरे जीव पार्टिकल्स माने मध्य से दिगरे वाइब्रेट हेबे सेम डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेवटा कौन एटा आपनकर साउंड वेव यहाँ हूँ साउंड वेव जोटा लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्सटा कौन माने जो दिगरे वेव जीव तारो 90 डिग्री करके पार्टिकल माने वाइब्रेट हेबे सेटा होची ट्रांसवर्स वेव आइदर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स नॉन मेकानिकल वेव। तो यहाँ 73 नंबर एटा सॉरी यही नंबरटा आम कौन करवा
साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू गैसेस प्लाज्मा रे मध्य जीवो एंड लिक्विड गोटे मीडियम दरकार गोटे मीडियम दरकार तो व्हिच टाइप ऑफ साउंड वेव्स कैन प्रोपागेट इन सॉलिड्स सॉलिड्स रे क्यों प्रकार जीवो बोली एटा क्वेश्चन अछि व्हिच टाइप ऑफ साउंड वेव्स कैन प्रोपागेट इन सॉलिड्स सॉलिड्स रे क्यों प्रकार साउंड वेव जाए तो साउंड वेव तो सबु बेले लॉन्गिट्यूडनल वेव हैला लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सेटा करेक्ट आंसर हबो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर टा कहारो यूनिट न्यूटन मीटर एक्सेलरेशन तो नुहे एक्सेलरेशन टा वी बाय जेहेतु टी एक्सेलरेशन कोन एटा हबो नाही पावर रो मध्ये हबो नाही फोर्स रो न्यूटन पावर रो वाट तो टॉर्क रो हबो कोन हबो टॉर्क रो हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन ए मैट्रिक हॉर्स पावर केते माने गोटे हॉर्स पावर टा कोन गोटे हॉर्स पावर को आपन को पाखा पाखी 746 वाट होई थाए सॉरी हां 746 वाट होई थाए एंड मैट्रिक हॉर्स पावर स्विच इज एप्रोक्सीमेटली 735 जोटा अछि एटी जो 736 होची सेटा हेबो द नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा गोटे हॉर्स पावर को केते हुए पाखा पाखी 746 वाट होई थाए तो एठी जेहेतु मैट्रिक हॉर्स पावर्स कोदा कहा जाई छी सेति पई पाखा पाखी 736 वाट को गोटे मैट्रिक हॉर्स पावर हेबो तापर अछि हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर हाइड्रोजन रो केतोटी आइसोटोप अछि सेटा होची क्वेश्चन तो हाइड्रोजन रो आपनकर केतडा अछि हमें देखिबा हाइड्रोजन रो कोन कोन अछि हाइड्रोजन रो आपनकर देखो तब हमें केमिति लेखिबा आइसोटोप हाइड्रोजन रो 1 अछि गुटे तापरे एटा गुटे अछि तापरे एमिति एटा गुटे अछि प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम बोली कह जाए जारो कोन मासटा अलग अलग हबो हला जहारो मासटा अलग अलग हबो एटा कोन तांकर एटॉमिक नंबरटा सेम थिबो एवं मास जदी अलग अलग हैला ताकु आमे कोन कहिथाउ आइसोटोप बोली कहिथाउ प्रोटियम ड्यूटेरियम आउ ट्रिटियम बोली एटा कह जाए ट्रिटियम आउ ड्यूटेरियम मध्य कह जाए।